बीते कल देवभोग के क्षेत्रीय सुनार कारीगरों ने संघ का गठन किया, जिसमें देवभोग सीनापाली बाड़ी गांव गोगराजपुर घूमरगुड़ा लाटापाड़ा कुम्हराई खुर्द के सुनार कारीगर शामिल हुए। सोग थन को मजबूती देने संघ कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस गठन में जहां रमेश सोनी को संरक्षक तो वहीं चंदन सोनी को संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के गठन के पश्चात संघ ने केंद्र सरकार के विश्वकर्मा योजना का तारीफ करते हुए केंद्र सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक किए थे जी। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। हमन देवभोग मंडी प्रांगण में जो मीटिंग रखे हन वो हमारे श्रोणकार समाज के कारीगिरी संघ में जो मीटिंग रखे रहन सब मन के विचार लेके जो सरकारी काम काज ला मिले है अभी वोला हमन लाभ लेके विचार में रखे हैं। अच्छा, आपका नाम? मैं उमाशंकर सोनी। वहीं डोबेंद्र सोनी सचिव तो जितेंद्र सोनी कार्यकारी अध्यक्ष और अनिल सिरसिंधु उमाशंकर उपाध्यक्ष खीर सोनी कोषा अध्यक्ष मोहित सह सचिव बनाए गए। संघ के बैठक में क्षेत्र के 100 से अधिक सोनार कारीगर शामिल हुए। सोनार संघ सरकार के विश्वकर्मा योजना का लाभ सभी कारीगर को मिले इसके लिए आने वाले दिनों में अधिकारी से मिलेंगे। वहीं इस बैठक में श्याम सुंदर रुबेन डी कृष्णा नरहरी गोकुल सुभाष मुकेश बसंत निरंजन अरविंद भोला परमेश्वर उपस्थित रहे। क्या बैठक चल रही थी? आज हमारे सोनार कारीगरी संघ का गठन किया गया, जिसमें हमारे सोनार युवाओं ने बैठक कर के नया कार्यकारिणी का गठन किया गया। गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सीजीविजन टीवी।